बिहार से सामने आ रही है, जहां पर बिहार में लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है भ्रष्टाचारी के खिलाफ। और इसी कड़ी में इनकम टैक्स की टीम ने आज बिहार के चर्चित बिल्डर और कारोबारी गब्बू सिंह के घर पर छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर आयकर की टीम रेड कर रही है, जिसमें होटल भी शामिल है। बता दें कि गब्बू सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के साथ कई सत्ताधारी दल के नेताओं के बेहद करीबी बताए जाते हैं और गब्बू सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। तो बिहार के एक चर्चित बिल्डर गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर रेड चल रही है और खास करके लल्लन सिंह का बेहद करीबी उन्हें बताया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लाइव जुड़ेंगे पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव। राजीव, गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? नहीं देखिए प्रभाग, गब्बू सिंह के विषय में यह कहा जाता है कि वो एक बड़े बिल्डर हैं, बड़े व्यवसायी हैं, बड़े उद्योगपति हैं और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। इवन यह कहा जाता है कि ललन सिंह का जितना कारोबार है वो तमाम कारोबार जो है वो गब्बू सिंह ही संभालते हैं। लिहाजा आज सुबह से इनकम टैक्स की छापेमारी जो है वो गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर चल रही है। अब या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि गब्बू सिंह के नहीं बल्कि ललन सिंह के 31 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि गब्बू सिंह एक निशाना है, गब्बू सिंह बहाना है और निशाना जो है वो सीधे तौर पर ललन सिंह है। देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगी तो जब से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए हैं तब से ललन सिंह के तेवर जो है वो काफी तल्ख रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन को तुड़वाने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका है, क्योंकि पिछली सरकार में केंद्र सरकार में ललन सिंह को शामिल नहीं किया गया था, जबकि नीतीश कुमार यह चाह रहे थे कि ललन सिंह जो है उनकी भागीदारी, उनकी साझेदारी जो है वो केंद्र सरकार में मिले, लेकिन सिर्फ आरसीपी सिंह को दिया गया था। और आपको याद होगा कि जब 2019 में सरकार बनी थी उस समय जदयू ने अपनी तरफ से दो मंत्री बनाने का प्रपोजल जो है वो नरेंद्र मोदी के पास भेजा था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही स्वीकार किया गया था। और अब नीतीश कुमार कहते हैं कि आरसीपी सिंह ने खुद ही उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो खुद ही मंत्री बन गए। तो उस समय से लगातार जो खुन्नस है वो ललन सिंह की केंद्र सरकार के प्रति थी और यही वजह है कि ललन सिंह ने इस गठबंधन को तुड़वाने में बड़ी भूमिका निभाई। जाहिर है जब ललन सिंह बड़ी भूमिका निभाएंगे तो केंद्र सरकार के निशाने पर वो आएंगे और उसी निशाने पर आने के बाद जो है वो आज सुबह से लगातार जो गब्बू सिंह है जो कि ललन सिंह के करीबी है उनका तमाम कारोबार वो संभालते हैं, उनके बिहार सहित पूरे देश भर में 31 ठिकानों पर छापेमारी, इनकम टैक्स भी चल रही है। जी प्रभा बिल्कुल। राजीव, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी यहाँ पर। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान इस छापेमारी को लेकर क्या है, पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। ये छापेमारी से कोई यहाँ घबराने वाला है? जब से सरकार से बीजेपी हटी है तब से तो रोज छापेमारी चल रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार में नहीं रहती है वहाँ विरोधियों के यहाँ, उनके करीबियों के यहाँ इसी तरह से जांच एजेंसियों को लगा करके परेशान करती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो दिल्ली में ताल ठोक कर ताल कटोरा में कहा इस बार बीजेपी को छाप देंगे, ऊंचाई लाख छापेमारी करें। सर खबर है कि मोकामा में देखिए ये छापेमारी से कोई यहाँ एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी एसके राजीव पटना से। राजीव, यहाँ पर हमने मृत्युंजय तिवारी को भी सुना और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जहाँ पर केंद्र की सरकार नहीं रहती है वो जांच एजेंसियों को दूसरी पार्टियों के पीछे लगा देती है। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर मृत्युंजय तिवारी चूंकि विपक्ष में है प्रभा, और विपक्ष में जो भी पार्टी होती है मतलब बीजेपी के विपक्ष में, तो निश्चित तौर पर वो अपना निशाना साधेगी। तो मृत्युंजय तिवारी से अभी बातचीत हो रही थी हम लोगों की, तो मृत्युंजय तिवारी सीधे तौर पर ये आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है बिहार के जिस जिस राज्य में वहां पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जबरदस्त तरीके से दबिश बनाया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सुबह से जो लगातार जो छापे चल रही है उनके कई, उस विषय में यह कहा जा रहा है कि ललन पर गब्बू सिंह से जुड़े हुए हैं, ललन कारोबार है वो हैं। और ललन सिंह के विषय में भी यह कहा जाता है कि ललन सिंह एक अच्छे व्यवसायी भी हैं वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि ललन सिंह पर अगर वो प्रेशर बनाएंगे, उन पर अगर दबिश बनाएंगे तो निश्चित तौर पर कई बातें जो है वो सामने आ सकती है और यही वजह है कि सुबह से इनकम टैक्स की छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। और छापेमारी में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कई अहम दस्तावेज भी जो है वो सीबीआई को मिले हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है प्रभाव, क्योंकि अगर अवैध संपत्ति इनकम टैक्स आय से ज्यादा अगर संपत्ति मिलती है
तो निश्चित तौर पर न सिर्फ गंभू सिंह फंसेंगे बल्कि आने वाले दिनों में ललन सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष में अभी मृत्युंजय तिवारी है बिहार में और विपक्ष में यहाँ पर बीजेपी है, तो बीजेपी पर वो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन सबके बीच इतना तय माना जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की रेड जो है वो बिहार में कई और भी नेताओं के ऊपर पड़ सकती है। बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।